इंडोनेशिया में शुगर टैक्स को लागू करने को लेकर तेजी से मुहिम चलाई जा रही है। उच्च चीनी वाले स्नैक्स और पैक्स ड्रिंक्स की बढ़ती खपत को देखते हुए शुगर टैक्स को लागू करने के लिए सरकार से याचिका दायर करना शुरू कर दिया गया है। एयरलंगा विश्वविद्यालय सुराबाय के सार्वजनिक स्वास्थ्य शोधकर्ता एनआर वाटी ने कहा है कि सरकार को इस याचिका को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि कई इंडोनेशियाई चीनी से भरे इन स्नैक्स और पेय के शौकीन हैं। उन्होंने दावा किया है कि सरकार को शुगर टैक्स लगाने की जरूरत है ताकि कीमतें बढ़ें और लोग इसे खरीदने के बारे में दो बार सोचेंगे। सरकार ने पहले चीनी वाले स्नैक्स और पैक्स ड्रिंक्स पर 20% टैक्स लगाने पर विचार किया था और अब इसे लागू करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति का समय है। पिछले 20 वर्षों में शकरा पेय की खपत में 15% की वृद्धि हुई है। आपको बता दें कि अगर देश में शुगर टैक्स लागू किया जाता है तो चीनी के खपत में गिरावट आएगी और साथ ही उद्योग में कई नौकरियों पर भी असर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।